लाडनू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर विमल व्यास ने विधिक जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल वैन जागरूकता कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का भी प्रचार प्रसार करेगी। इसके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के कानूनी अधिकारों की भी जानकारी प्रदान की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने पैराडाइज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें मंत्री मेघवाल ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान जो उत्साह देखने को मिला है उससे चुनाव में भाजपा की सरकार बनना तय है। जालौर में पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने हेतु विशेष अभियान चला रखा है, जिसके तहत भीनमाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 किलो 400 ग्राम अफीम का दूध बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बांदीकुई दौरे पर रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने राजेश पायलट कॉलेज में अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बांसुर के गांव कल्याणपुरा में एक ही परिवार के दो पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 4 से 5 लोग घायल हो गए, जिनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उप जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची बांसुर थाना पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पूर्व उप मुख्यमंत्री और CWC सदस्य सचिन पायलट अजमेर दौरे पर रहे। सचिन पायलट के सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, जिसके बाद सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से बात करने के साथ चुनाव को लेकर फीडबैक लिया और मीडिया से रूबरू होते हुए पायलट ने बेरोजगारी महंगाई को लेकर भाजपा पर तंज कसा। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में किया गया। FRHS इंडिया की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले चिकित्सक ANM आशा सहयोगिनी को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे जोधपुर। एयरपोर्ट पर BJP के कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जो परिवर्तन यात्रा राजस्थान में चल रही है उसको जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, राजस्थान के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार राजस्थान के लोग चुनेंगे। देखिए, जो परिवर्तन यात्रा राजस्थान में चल रही है उसको जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, राजस्थान में लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ पर फिर एक बार मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार लोग चुनकर देंगे। जिस प्रकार से देश को बदलते हुए लोग देख रहे हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस के और गहलोत जी के सरकार के खोखले वादे लोगों के ध्यान में आ रहे हैं, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि राजस्थान में परिवर्तन होगा और मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार होगी। बांदीकुई उपखंड के गांव दुब्बी नांगल झामरवाड़ा में कुछ परिवार अपने मासूमों के साथ अंधेरे और गर्मी में रहने को मजबूर है। पीड़ितों ने बताया कि बिजली कनेक्शन को लेकर 2010 से बिजली विभाग के आला अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार हमारी फाइल गुम कर दी जाती है। बिजली कनेक्शन को लेकर सरपंच से लेकर कलेक्टर और यहां तक कि बांदीकुई विधायक से भी गुहार लगा चुके हैं। लोगों ने कहा कि वोटों की राजनीति का शिकार भी हम लोगों को बनाया जा रहा है, जिसके चलते हमारे यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। मेरा गांव ग्राम दुबी पंचायत नांगल जामरवाड़ है। सरपंच साहब, सेक्रेटरी, पटवारी, SDM के तहत हमें इंदिरा कॉलोनी अलॉट हुई थी। उसमें हम 1989 से 1991 के बीच में हम 5 फैमिली है जो वहाँ रह रहे हैं, प्रेजेंट में आज भी रह रहे हैं। हमें आज तक मतलब प्रताड़ित किया जा रहा, परेशान किया जा रहा। लाइट की व्यवस्था नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उसमें लड़कियाँ हैं 10वीं में पढ़ती है, 8वीं में पढ़ती है, बच्चे 4 साल के हैं, 4 महीने के हैं, 5 महीने के हैं, वो भी वहाँ रह रहे हैं। और अभी हमें लाइट की व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। हमने कई कई बार फाइल लगा चुके हैं इस मामले में और आज भी हमने फाइल लगा रखी है। 2012 में लगाई थी, 2016 में भी हमने फाइल लगा चुके हैं, 2019 में भी हमने फाइल लगाई है और 2022 में आज भी हमने फाइल लगा रखी है और हम रोज घूम रहे हैं।
चाकसो शहर में परिवर्तन यात्रा के बाद भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, सांसद किरोड़ीलाल मीणा, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर सभी समाज के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जो लोगों में कांग्रेस के प्रति अविश्वास जताता है। डिडवाना रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने और अमृत भारत योजना के तहत डिडवाना स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। इसे लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के प्रबंधक पंकज कुमार डिडवाना रेलवे स्टेशन के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत डिडवाना को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के बिंदुओं और तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर अधिकारियों को निर्देशित किया। देखिए, ये अमृत भारत योजना के तहत जो स्टेशन का विकास हो रहा है, उसकी समीक्षा लोग पूरी ज्वाइंट टीम के साथ हम लोग करने आए थे। यहाँ पर देखा है कि जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसकी गति क्या है और उसकी प्लानिंग जो है सही, जैसी प्लान किया गया है उसी ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसमें फीडबैक पहले ही लिया जा चुका है, फिर भी जनता से फीडबैक लेने का कंटिन्यूस प्रयास है, उस प्रयास के तहत भी हम लोग आए हैं। तो ये दोनों कार्रवाई होगी कि हमने अपने जो कार्य हो रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए, और साथ में अगर कोई और इसमें कोई बदलाव करने हैं तो वो दोनों चीज़ों के लिए आए हैं। साथ में ये संरक्षा सेफ्टी के दृष्टि से विंडो ट्रेलिंग भी इंस्पेक्शन हो रहा है, जिसमें ट्रैक की जो मेंटेनेंस है उसका किस तरीके से हो रहा है, उसकी राइडिंग क्वालिटी क्या है, ये पूरी टीम इसी के लिए आई हुई है, सारे अमृत भारत स्टेशन के साथ साथ सेफ्टी से रिलेटेड। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रामदेवरा पहुंचे, उन्होंने बाबा के जयकारों के बीच लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन की, चादर चढ़ाई और पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में खुशहाली, सुख समृद्धि और मानव कल्याण के लिए मंगल कामना की। इससे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को RAC की टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अलवर जिले के कठुमर क्षेत्रों के सकल जैन समाज के मंदिरों घरों पर महापर्व पर्युषण पर्व और भाद्रपद के कार्य शुरू हो गए हैं, जिसके तहत 12 सितंबर से 19 सितंबर तक जैन मंदिरों में प्रतिक्रमण, शास्त्र वाचन और दान पुण्य के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस पर्व के मौके पर जैन मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। उत्तराखंड विधानसभा से विधायक महंत दिलीप सिंह कोलायत दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा मंडल कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के दौरान भाजपा नेता भूप सिंह भाटी ने महंत को तलवार भेंट कर स्वागत किया। जिला महामंत्री मोहनलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक के दौरान भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गेदर भी मौजूद रहे। आज हमारे कोलायत मंडल की बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें उत्तराखंड से MLA, दो बार MLA रहे हुए दिलीप जी रावत हमारे बीच में आए हैं और इन्होंने संगठनात्मक बैठक ली है। सभी हमारे बूथ समिति के अध्यक्ष आए हैं इसमें, और पार्टी के जो मंडल के पदाधिकारी हैं वो इसमें सम्मिलित हुए हैं। सभी को चुनाव के संबंध में इन्होंने निर्देश दिया है कि सबको मिलजुल करके हमें चुनाव लड़ना है। राजीराज भूमि पर अवैध काश्त कर पटवारी और गिरदावर पर कार्रवाई की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष महावीर पुरोहित ने बताया कि भूमाफिया द्वारा अवैध काश्त को तुरंत नष्ट करवाने की मांग लगातार की जा रही है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राष्ट्रीय किसान संघ के बैनर तले हम लोग पिछले 3 महीने से घूम रहे हैं कि सोफरा नगर, सेवड़ा और कुमारों की ढाणी में अवैध काश्त है 305 बीघा के करीब, जिसमें अवैध ही पानी ले रहे हैं। वो सब गिरदावर है, उसकी मिली भगत से, पटवारी की मिली भगत से। टोंक के निवाई में BJP की परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत के बाद जनसभा का आयोजन हुआ। इस दौरान सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका के दौरे पर सांसद मीणा ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी को महिला अपराध राजस्थान में दिखाई नहीं देता है। सनातन धर्म पर तमिलनाडु CM के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में संत समाज ने बीकानेर में रैली निकालकर विरोध जताया। साथ ही संत समाज ने कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सूरजादास महाराज ने कहा कि तमिलनाडु CM के बेटे द्वारा बार बार सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, जिसको सनातन धर्म कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज TV और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज TV।